हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरव सहगल है और आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताने जाऊंगा जो कि आपको अपने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आप एक स्कूल प्रिंसिपल हैं तो आई एम श्योर आपको भी काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही होंगी, स्पेशली इस लॉकडाउन के चलते जब आपके टीचर्स स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि कैसे वो घर से ही अपने कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड करके स्टूडेंट को शेयर कर सकते हैं, या फिर आपने हो सकता है ऑनलाइन टूल्स भी ट्राई करे हों जैसे कि वीडियो कॉलिंग। लेकिन हमें पता है वीडियो कॉलिंग में लो नेटवर्क बैंडविड्थ के चलते स्टूडेंट्स को वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता जो कि उनको क्लासरूम में मिलता है। अगर आप एक ट्यूशन टीचर हैं और करेंटली इस लॉकडाउन सिचुएशन में अपने बच्चों को आप व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ा रहे हैं और चाहते हैं कि कैसे आप आसानी से घर से ही लेक्चर रिकॉर्ड करके उनको शेयर कर सकें, या फिर आप यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और करेंटली अपने व्हाइट बोर्ड को कैमरा से रिकॉर्ड करते हैं, बट आप चाहते हैं कि कैसे अपने लेक्चर्स को और एंगेजिंग बना सकें ताकि आपके चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर आएँ, बट करेंटली आप इस सिचुएशन में अपने एक इंटरेक्टिव पैनल के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, इन्हीं सब सवालों का जवाब हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो आइए देखते हैं इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए एक टीवी या मॉनिटर जो आप नॉर्मली घर पे यूज़ करते हैं, और आपको चाहिए लैपटॉप या पीसी विद वेबकैम, और आपको चाहिए आइरिस वन। आइरिस वन एक लाइटवेट पोर्टेबल डिवाइस है जिसके अंदर कुछ सेंसर लगे हैं जो कि विजन टेक्नोलॉजी पे काम करता है, और ये आपके टीवी को ट्रैक करके उसको टच स्क्रीन मॉनिटर में कन्वर्ट कर देता है। इसके अंदर आपको कनेक्ट करने के लिए टीवी के ऊपर आपको रखना है और इसके अंदर दिए गए क्लैंप की वजह से ये उसके ऊपर फिक्स हो जाता है। इसको यूज़ करने के लिए आपको अपने लैपटॉप के साथ इसको यूएसबी केबल के थ्रू कनेक्ट कर देना है इसमें दिए गए माइक्रो यूएसबी पोर्ट के थ्रू। तो आइए देखते हैं इसको सेटअप कैसे करना है। सेटअप करने के लिए आपको अपने लैपटॉप को टीवी के सामने इस हाइट पे प्लेस करना है कि उसकी हाइट लगभग टीवी की हाइट के बराबर हो और उसकी स्क्रीन टीवी के सामने फेस कर रही हो। और टीवी को कनेक्ट करने के लिए लैपटॉप के साथ आपको टीवी के साथ जो HDMI केबल आती है जो अभी आप फिलहाल अपने सेटअप बॉक्स के साथ कनेक्ट करते हैं वही केबल आपको अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपके लैपटॉप का डिस्प्ले टीवी के ऊपर आ जाएगा। उसके बाद तीसरे स्टेप में आपको आइरिस वन को टीवी के ऊपर प्लेस कर देना है और उसके बाद उसकी USB केबल लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर देनी है। तो बस अब आपका सेटअप कम्प्लीट है। आपको अपने लैपटॉप को यूज़ करने के लिए ये स्टाइलस यूज़ करना है जिसके थ्रू आप अपने लैपटॉप को टीवी से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ। आइरिस वन के साथ हम आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं जो सॉफ्टवेयर साइबरनेटिक्स ने बनाया है। ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी दुनिया भर में काफ़ी फेमस है और इसको करोड़ों लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और अपने टीचिंग में डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। देखते हैं इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ किया जाता है। न्यूटा टीच के अंदर आपको काफ़ी सारे टूल्स भी मिल जाते हैं जिनको यूज़ करके आप लेसन प्लान्स एडवांस में क्रिएट करके पहले से ही तैयार करके रख सकते हैं, और आपको रिकॉर्डिंग के टाइम पे आपको उसमें उन लेसन्स को तैयार करने में टाइम ज़्यादा लगाना नहीं पड़ता। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पेन टूल है जिसकी वजह से मैं लिख पा रहा हूँ, और साथ ही इसमें हाइलाइटर टूल भी दिया गया है जिसकी वजह से आप इसके ऊपर हाइलाइट कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा न्यूरा टीच को यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से अपने लेसन प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखते हैं लेसन्स को रिकॉर्ड कैसे किया जा सकता है। रिकॉर्ड करने के लिए सॉफ्टवेयर के अंदर हमने एक टूल प्रोवाइड किया है जिसको यूज़ करके आप अपने लैपटॉप का कैमरा आसानी से ऑन कर सकते हैं और इसमें आपके लैपटॉप की कैमरे की फीड दिखने लगेगी। जब आप कैमरा आपका ऑन हो जाए आप इसको आसानी से कहीं पर भी कैनवस में प्लेस कर सकते हैं। इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट है कि आपको आपके बच्चों को आपका कैमरा भी दिखेगा और आपको समझने में आपका टॉपिक समझने में बहुत आसानी होगी। साथ ही यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये रिकॉर्डिंग नॉर्मल कैमरा रिकॉर्डिंग से बहुत डिफरेंट है। इस रिकॉर्डिंग के अंदर हम कैनवस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर डूइंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग। यहाँ पे हम अपने पूरे टीवी की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इससे क्या होता है आपका जो टेक्स्ट होता है बहुत ही क्लियर और साफ शब्दों में बच्चों को दिखता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अगर हम यहाँ पे रिकॉर्ड बटन ऑन करेंगे तो ये हमें पूछेगा टॉपिक का नाम,
तो अगर हमें आज जैसे सिंपल पेंडुलम पढ़ाना है तो मैं सिंपल पेंडुलम लिख के सेव कर सकता हूँ। जैसे ये मैं सेव करता हूँ, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब जो भी मैं इसके ऊपर लिखूंगा वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। आपको बस यह ध्यान रखना है रिकॉर्डिंग के टाइम पे आपको अपने लैपटॉप के कैमरा की तरफ देखना है ताकि आपके बच्चों को आप डायरेक्टली एड्रेस कर सकें। साथ ही आप इसमें अलग अलग टूल्स यूज करके आप इसमें से इमेजेस और वीडियोस भी निकाल सकते हैं। तो जैसे कि हम सिंपल पेंडुलम पढ़ा रहे हैं तो मैंने यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का एक डायग्राम यहाँ पे निकाल दिया है और एक रिप्रेजेंटेशन भी निकाल ली है। इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा टूल और दिया गया है जिसको यूज करके आप कोई भी एनिमेशन, किसी भी टॉपिक के मल्टीपल टॉपिक्स के एनिमेशन इसमें दिए गए हैं। इस टूल का नाम है PHAT। तो मैंने सिंपल पेंडुलम एनिमेशन चूज कर लिया। तो देखिए कैसे आप इसमें बहुत ही आसानी से, इसको हम रिसाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, और अब आप इसको चाहें तो आप स्लो भी कर सकते हैं और बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब आप ये पेंडुलम की एनिमेशन चल रही है उसी टाइम पे आप इसके ऊपर ड्रॉ भी कर सकते हैं और कुछ एक्सप्लेन करके बच्चों को दिखा भी सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई स्नैपशॉट भी लेना है, और ये उसका स्नैपशॉट पीछे पेस्ट कर देता है। जब आपका लेसन रिकॉर्ड हो जाए तो आप इसको स्टॉप कर दें। तो अब देखते हैं कि कैसे हमारा रिकॉर्डेड लेसन तैयार हुआ है। इन रिकॉर्डेड वीडियोस को शेयर करना भी बहुत आसान है। आप इन्हें YouTube पे अपलोड करके अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही आसानी से शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने कलीग्स और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। और अगर आपको ऐसे ट्रिप्स और ट्रिक्स आगे देखते रहने हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।